दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली अपने जीप को रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार जेसन ने जीप को ठोक के खराब कर दिया था। पिछले दो दिन तो जीप ठीक से चली लेकिन फिर तीसरे दिन ही जीप बंद हो गई, इसलिए ये दोनों लगे हुए हैं जीप को रिपेयर करने में। गुल्ली जीप को बाहर से देख रहा है और बुल्ली नीचे जीप के अंदर घुस के रिपेयर कर रहा है। तभी गुल्ली बोलता है कि बुल्ली जीप को अच्छे से रिपेयर करो और जो तुम्हारे बगल में जो बोल्ट है उसे अच्छे से लगाकर टाइट करो क्योंकि वो बोल्ट इंजन का है और वो बोल्ट अगर ठीक से नहीं लगा तो पेट्रोल लीक करने लगेगा। गुल्ली की बातें को सुनकर बुल्ली अच्छे से बोल्ट को लगाने लगता है। लेकिन ये क्या, मिस्टर मीट की ट्रक गुल्ली बुल्ली के घर में क्या कर रही है? असल में मिस्टर मीट और जेसन जिंदा तो है नहीं, अब दोनों मर चुके हैं और गुल्ली बुल्ली अपनी जीप की भरपाई के लिए उसके ट्रक को ही अपने घर में रख लिए हैं और तब से मिस्टर मीट का घर और ट्रक दोनों गुल्ली बुल्ली के पास है। गुल्ली बुल्ली अपनी जीप को रिपेयर कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर सोन अपनी खटारा स्कूटर के साथ आ जाता है। शायद सोन को मिस्टर मीट के घर से भी कुछ हिस्सा लेना होगा, तभी तो इतनी रात को सोन गुल्ली बुल्ली के घर आया है। सोन अपनी स्कूटर को गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ मोड़ता है और अंदर जाके स्कूटर को रोक देता है। उसके बाद सोन वहां पर स्कूटर से उतरता है और स्कूटर को खड़ा करने के बाद सोन गुल्ली बुल्ली के पास जाने लगता है। गुल्ली के पास पहुंचते ही सोन गुल्ली को घूरने लगता है। गुल्ली सोन को बोलता है कि सोन इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, ऐसी भी तुम्हें क्या इमरजेंसी पड़ गई कि तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा? और ये सुनकर सोन बोलता है कि नहीं गुल्ली, मुझे कोई इमरजेंसी नहीं पड़ी है, मैं तो बस तुमसे ये पूछने के लिए आया था कि क्या तुम मिस्टर मीट के कवाड़े घर को बेचना चाहते हो, क्योंकि मुझे एक बायर मिला है जिसे एक पुराना घर चाहिए और मैंने उसे बोला है कि हमारे पास एक पुराना घर है और वो उसे खरीदने के लिए भी तैयार है और अच्छे पैसे भी दे रहा है, तुम बोलो अगर तुम्हें बेचना है तो बताओ। ये सुनकर गुल्ली बोलता कि अरे सोन, इतने अच्छे ऑफर को मैं मना कैसे कर सकता हूँ, बेच दो, वो घर ऐसे भी हमारे कोई काम का नहीं है, इससे अच्छा होगा कि हम उसे बेच ही दें, इस बहाने हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। पहले तो तुम ये बताओ कि वो कितने पैसे देने के लिए तैयार है। सोन बोलता है कि वो मिस्टर मीट के घर का 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है और वो मुझे अपने घर बुलाया है, तुम भी चलो मेरे साथ। गुल्ली सोन को बोलता है कि ठीक है चलो, लेकिन रुको मैं पहले बुल्ली को भी बता देता हूँ। उसके बाद गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि बुल्ली, मैं सोन के साथ जा रहा हूँ मिस्टर मीट के घर को बेचने के लिए, इसलिए तुम घर के अंदर जाओ, जीप को हम बाद में रिपेयरिंग शॉप में ले जाकर जीप को अच्छे तरीके से रिपेयर करा लेंगे। उसके बाद गुल्ली सोन के स्कूटर में बैठ के वहां से निकल जाता है। और इधर बुल्ली भी जीप का काम छोड़कर घर के अंदर चला जाता है। बुल्ली ये सोच रहा है कि चलो अब थोड़ा आराम करने को मिलेगा। और इधर सोन स्कूटर को बहुत ही तेज चला रहा है। गुल्ली बोलता है कि सोन स्कूटर को इतनी तेज मत चलाओ नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन सोन गुल्ली की जड़ा भी बात नहीं मानता और स्कूटर को तेज चलाता ही रहता है। तभी सोन स्कूटर को सुनसान जंगल में लेकर जाता है। जंगल का रास्ता काफी ज्यादा भयानक लग रहा है क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा है और दूर दूर तक कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा, शायद ही ऐसे डरावने जंगल में कोई रहता होगा। और स्कूटर को वहीं पर रोक देता है। तभी दोनों स्कूटर से उतरते हैं और आसपास दोनों देखने लगते हैं। तभी सोन को एक घर दिखता है और फिर सोन गुल्ली को लेकर उस घर में जाने लगता है। गुल्ली सोन के साथ जाते हुए बोलता है कि सोन, ये बायर इतनी सुनसान जगह पर रहता है और इसका घर भी काफी ज्यादा पुराना लग रहा है, सोन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। सोन गुल्ली की बात को टाल देता है और सोन बोलता है कि डरो मत गुल्ली, ये उसी बायर का घर है, उसने मुझे वीडियो कॉल भी किया था, तुम टेंशन मत लो, तुम चलो घर के अंदर। और इसके बाद ये दोनों उस घर के पास जाने लगते हैं। घर के पास आते ही दोनों उस बायर को इधर उधर देखने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि इस घर का मालिक पहले से ही मर चुका है
और उस घर के मालिक का डेड बॉडी उस पेड़ पर लटका हुआ है। इस डेड बॉडी को देखकर लगता है कि किसी ने इसे बहुत बेरहमी से मारा है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है। गुल्ली सोन से बोलता है कि सोन, मुझे लगता है कि हमें किसी ने बेवकूफ बनाया है। अगर उसे घर खरीदना होता तो यहाँ पर मौजूद होता। तभी सोन गुल्ली से बोलता है कि गुल्ली, तुम शायद ठीक ही कह रहे हो, शायद वो पैसे देने की डर से यहाँ से भाग चुका है। चलो यहाँ से चलते हैं। ये दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सिलेंडर मैन का जुड़वा भाई आ जाता है, जिसका नाम ब्लेंडर मैन है। तो दोस्तों, क्या होगा गुल्ली बुल्ली के साथ, ये हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट टू में। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट टू चाहिए तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे, क्योंकि जब 100 कमेंट हो जाएगा तो मैं इस वीडियो के पार्ट टू को ले आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।